بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه البخاري ومسلم. सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस अभी आपके सामने पढ़ी गई, जिसे सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों को देखा करो जो तुमसे कमतर हैं, और उन लोगों को मत देखो जो तुमसे बरतर हैं। ऐसा करोगे तो ये होगा कि तुम अल्लाह तबारक व ताला की किसी नेमत को हकीर न समझोगे। देखिए, इस हदीस में अल्लाह तबारक व ताला की शुक्रगुजारी करने के सिलसिले में एक अहम तालीम दी गई है कि वही बंदा अल्लाह तबारक व ताला की शुक्रगुजारी कर सकता है और वही अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन सकता है जिसके अंदर ये सिफत हो जो कि इस हदीस में बयान की गई है। और वो सिफत ये है कि दुनिया के सिलसिले में हमेशा अपने से जो लोग कमतर हैं, नीचे हैं, उन्हें देखना चाहिए। अपने से जो ऊंचे हैं और बरतर हैं, अपने से जो बढ़कर हैं, उन्हें नहीं देखना चाहिए। अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो बरतर हैं, उनको देखोगे तो फिर नाशुक्री पैदा होगी तबीयत में। अपने से कमतर को अगर देखोगे, अल्लाह ने जिस हाल में भी तुम्हें रखा है, शुक्रगुजारी करोगे। आप अगर दो वक्त खाना खाते हैं मिसाल के तौर पर, तो देखो कि इस दुनिया में कितने ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ दिन में एक वक्त खाना मिलता है। आप अगर परेशान हैं कि आप पर 50,000 का कर्ज है, तो देखो कि इस दुनिया में कितने ऐसे हैं जिनके पास 2 लाख का भी कर्ज है। आप अगर किसी छोटी बीमारी में मुब्तला हैं, तो देखो कि उससे बड़ी बीमारी में मुब्तला लोग भी आपके सामने मौजूद हैं। अगर इंसान ये जहन बना ले ना, शेख सादी कहते हैं एक मरतबे है, मेरा जूता चोरी हो गया, चप्पल चोरी हो गया, मैं बड़े गुस्से से निकला कि किसने चुराया है। लेकिन कहते हैं जैसे ही मैं निकला, सड़क पर चलते हुए एक लंगड़े इंसान पे मेरी नजर पड़ी जिसका एक पैर ही नहीं है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरा तो सिर्फ जूता गुमा है, चप्पल गुमा है, इस बंदे का तो पैर ही नहीं है। तो देखो, ये बात याद रखो, ये बहुत बड़ा सबक है। अगर आप परेशान हैं, वो परेशानी किसी भी वजह से क्यों ना हो, आप अगर परेशान हैं तो ये ना भूलो कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा परेशान लोग भी पाए जाते हैं। और ये चीज आपको हमेशा हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी पे आमादा करेगी। आप भूखे रहकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आप प्यासे रहकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आप बीमार रहकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। इसीलिए कहा कि वला तंजुरु इला मन हुवा फौकुकुम फहुवा अजदरु अल्ला तजदरु नेमतल्लाहि अलैकुम। ऐसा करोगे तो अल्लाह की किसी नेमत की नाशुक्री ना होगी तुमसे, अल्लाह की किसी नेमत को हकीर ना समझोगे तुम। ये दुनिया के सिलसिले में, और दीन के सिलसिले में हमेशा अपने से ऊंचे को देखना चाहिए, दुनिया के सिलसिले में हमेशा अपने से कमतर को देखना चाहिए, और दीन के सिलसिले में हमेशा अपने से बरतर को देखना चाहिए। आप अगर सिर्फ फराइज के पाबंद हैं, तो उन बंदों को देखो जो फराइज के साथ सुन्नतों के भी पाबंद हैं। आप अगर फराइज और सुन्नतों के पाबंद हैं, तो उन अल्लाह वालों को देखो जो फराइज और सुन्नतों के साथ नवाफिल के भी पाबंद हैं।
उन बंदों को देखो जो नफिल रोजे रखा करते हैं, जो गरीबों को दिया करते हैं, सदका खैरात किया करते हैं। दीन के सिलसिले में हमेशा से अपने से ऊंचे को देखना, उसमें क्या होगा, हर आए दिन हमारी दीनदारी में तरक्की होगी, हमारी दीनदारी में इजाफा होगा, हमारी नेकियों में इजाफा होगा, हमारी जिंदगी का हर आने वाला दिन हमें बनाएगा, हमें संवारेगा। ये तालीम शरीयत की है, मगर सूरत हाल क्या है, अमलन हो क्या रहा है, मेरा और आपका तर्ज जिंदगी क्या बता रहा है, हम बिल्कुल उल्टे हैं। दीन के सिलसिले में कम से कम पे राजी, हम कम से कम पे राजी दीन के सिलसिले में। हजार खामियां मेरे अंदर हैं, हजार गफलतें मेरे अंदर हैं, हजार तकसीरें मेरे अंदर हैं, लेकिन फिर भी मैं मुतमईन हूं कि मैं अल्लाह का मुकर्रब बंदा हूं, जैसे मैं अपना फर्ज पूरा अदा कर रहा हूं। और दुनिया के सिलसिले में, दुनिया के सिलसिले में हमारी नजर हमेशा अपने से बरतर पर, अपने से जो ऊंचे हैं उन पर। ये चीज क्या करती है, ये चीज हमें हवस में मुब्तला कर देती है, हमेशा हल में मजीद, हल में मजीद, हल में मजीद, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। याद रखिए, ये हवस की भूख, ये लालच, ये हिर्स और ये दुनिया की भूख, ये कभी मिटने वाली नहीं, ये कभी मिटने वाली नहीं। प्यारे नबी फरमाते हैं, लौकान लिबनी आदम वादियान मिन ज़हब लबतगा थालिसा वला यमलउ जौफबनी आदम इल्ला तुराब। इब्ने आदम को सोने से भरी हुई दो वादियां दे दी जाए, हाँ, किसी के घर में एक किलो सोना हो तो कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा सरमाया है। यहां प्यारे नबी फरमाते वादी पूरी, और वो भी एक नहीं, सोने से भरी हुई दो वादियां। इंसान को अगर सोने से भरी हुई दो वादियां दे दी जाए तब भी वो बस नहीं करेगा, तीसरी वादी की तलाश में निकलेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम वाली ने फरमाया, वला यमलउ जौफबनी आदम इल्ला तुराब, इंसान की इस भूख को कब्र की मिट्टी ही मिटा सकती है। अल्लाहु अकबर। कामयाब इंसान वो है जो कब्र में जाने से पहले इसी दुनिया में अपनी इस भूख को मिटा ले। और वो कैसे मिटती है भूख, इसी फलसफे से, इसी सोच से, जो सोच और जो फलसफा की इस हदीस में बताया गया है कि दुनिया के सिलसिले में हमेशा अपने से कम हैसियत वाले लोगों को देखा करो, तो जिस हालत में भी अल्लाह ने तुम्हें रखा है तुम शुक्र अदा करोगे। तो मेरे आल रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को भी और आप सभी सुनने वालों को भी ये जहन, ये मिजाज और ये सिफत जो इस हदीस में मजकूर है अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।